अगस्त 2016 महबूबा मुफ्ती जम्मू एंड कश्मीर की चीफ मिनिस्टर बनती है, मगर उसके दो साल के बाद जून 2018 में वो रिजाइन कर देती है क्योंकि बीजेपी अपना सपोर्ट पुल ऑफ कर लेती है। अब क्योंकि स्टेट को चलाने के लिए कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली गवर्नर्स लॉ इम्प्लीमेंट हो जाता है और अगस्त 2018 के अंदर सत्यपाल मलिक बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर के नए गवर्नर। अब दिसंबर 2018 के अंदर यानी कि महबूबा मुफ्ती के रेजिग्नेशन के 6 महीने के बाद ये गवर्नर रूल एक्सपायर हो जाता है और उसके बाद प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर। तो ये जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट था ये प्रेसिडेंशियल रूल के अंडर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर के अंडर आ जाता है, मतलब कि बीजेपी यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर का कंट्रोल ले लेती है और आर्टिकल 370 को रिमूव करवाने की तैयारी शुरू होती है। क्योंकि साल 2014 में जब मोदी सरकार पावर में आई थी तो उनके मैनिफेस्टो के अंदर ये साफ साफ लिखा था कि वो लोग आर्टिकल 370 को हटाएंगे। फिर फरवरी 2019 के अंदर पुलवामा अटैक होता है, एक मारुति इको 300 kg RDX के साथ CRPF के कॉन्वॉय के अंदर जाकर क्रैश कर जाती है। मगर इंटरेस्टिंग बात ये कि पूरे एक साल की रिसर्च करने के बाद फ्रंटलाइन न्यूज़पेपर ये दावा करता है कि 11 से ज्यादा इंटेलिजेंस इनपुट्स थे इस पर्टिकुलर अटैक के बारे में और इस पूरे अटैक का जो मास्टरमाइंड था वो था मुदाशिर अहमद खान। इनफैक्ट इस हादसे के कुछ ही घंटों के बाद सत्यपाल मलिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस हादसे की खबर देते हुए ये कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया, हमने ना तो सिक्योरिटी टाइट रखी थी और ना ही हमने मिलिट्री इंटेल के ऊपर ध्यान दिया जो हमें इतने टाइम से दी जा रही। बट सत्यपाल मलिक ये बताते हैं कि इसके रिप्लाई में नरेंद्र मोदी ने उनको कहा था कि आप इस मामले में प्लीज चुप रहो। बाद में जब मलिक इस बात की इन्फॉर्मेशन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल को देते हैं तो वहां से भी उन्हें इस मामले में चुप रहने के लिए कहा जाता है। जाहिर सी बात है अगले लोकसभा इलेक्शन सिर्फ 2 महीने दूर है और ये सब जानते हैं कि इलेक्शन के इतने करीब अगर कोई इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जहां पर गवर्नमेंट की एक्चुअली में गलती होती है वो अगर लोगों के सामने आ जाए तो लोग कभी भी उस पार्टी को वोट नहीं देंगे। और शायद इसीलिए इस बात को समझते हुए सत्यपाल मलिक ने जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर होने के बावजूद भी ओपनली आकर पब्लिक में इस बारे में कोई भी बात नहीं करी, मगर हाल ही में वो अपने इंटरव्यूज के अंदर कुछ बहुत ही गहरे राज खोलते हैं। उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज्ड। अब जब ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में सामने आ रही है तो होम मिनिस्टर अमित शाह का इन चीजों के ऊपर ये कहना है, अगर ये सब कुछ सही है तो वो गवर्नर थे तब क्यों चुप रहे हैं? सिंपल है, पॉलिटिक्स। यही कारण है कि जब मलिक मोदी और अजीत डोवाल के पास इस इन्फॉर्मेशन को लेकर पहुंचते हैं तो उनको इलेक्शंस के चलते इस मामले में चुप रहने के लिए कह दिया जाता है। हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता, तो उन्होंने मुझे कहा तुम अभी चुप रहो। अब जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो कि सरकार की कई सारी गलतियों को यहाँ पर सामने रखा गया है। पहली गलती, इंटेलिजेंस फेलियर। 24 जनवरी 2019 को ही CID जम्मू कश्मीर के एक ऑफिसर ने अपने सीनियर ऑफिसर्स को ये कहा था कि एक ग्रुप है 3 टेररिस्ट का जो कि अभी अवंतीपुरा विलेज के अंदर किसी स्पेशल काम के लिए पहुंच चुके हैं तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। बट इतनी स्ट्रॉन्ग इंटेल के बावजूद भी CRPF के कॉन्वॉय को कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी गई। दूसरी गलती, ट्रांसफर मोड। 78 व्हीकल्स कॉन्वॉय के थ्रू 2500 CRPF जवानों को जम्मू से श्रीनगर ट्रांसफर कर रहे होते हैं। सत्यपाल मलिक करण थापर के इंटरव्यू के अंदर ये बताते हैं कि जब भी इतनी बड़ी फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करा जाता है तो ये सब कुछ हमेशा बाय एयर होता है, कभी भी बाय रोड नहीं करा जाता। इनफैक्ट मलिक ये भी बताते हैं कि इस ट्रांसफर के लिए CRPF ने होम मिनिस्ट्री से 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे लेकिन होम मिनिस्ट्री ने इस चीज के लिए मना कर दिया और 4 महीने तक ये फाइल होम मिनिस्ट्री में ही पड़ी रही और कोई रिप्लाई नहीं आया। और हमारे उस वक्त के होम मिनिस्टर थे मिस्टर राजनाथ सिंह। और फिर आती है तीसरी गलती, सैनिटाइजेशन। सत्यपाल मलिक ये बताते हैं कि जितनी भी सारी की सारी लिंक रोड्स थी वो सब की सब अनमैन्ड थी, यानी कि कोई भी सिक्योरिटी पर्सोनल वहां पर था ही नहीं उन लिंक रोड्स को रोकने के लिए ताकि कोई फॉरेन एंट्री ना हो सके जब ये सारी की सारी कॉन्वॉय मूव कर रही थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि इस पूरे इंसिडेंट से आखिर हम लोग क्या सीख सकते हैं। सबसे पहला, अनबायस्ड वोटिंग। जैसा कि हम सबने देखा कि पुलवामा हमले को सामने रखकर पॉलिटिकल पार्टीज ने किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन के अंदर अपने वोट बढ़ाने के लिए इस चीज को इस्तेमाल करा है। क्योंकि देखो एज सिटीजन हम लोग अपने देश की सिक्योरिटी फोर्सेज को लेकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और ये बात हर पॉलिटिकल पार्टी जानती है, पर हमारे लिए जो चीज यहाँ पर जरूरी है वो ये है कि हम लोग कभी भी भावनाओं में बहकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट ना दें। क्योंकि सच तो ये है कि जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो उसके अंदर सरकार की भी गलती होती है, मगर उन गलतियों को मेनस्ट्रीम मीडिया के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कभी आने ही नहीं दिया जाता और इसीलिए आपको उन गलतियों के बारे में कभी पता ही नहीं लगता। दूसरी चीज, पॉलिटिक्स इज डर्टी। बहुत ही दुख के साथ ये बात बोल रहा हूँ मगर राजनीति बहुत ही ज्यादा गंदा खेल है। यहाँ पर सच को छुपाया जाता है और जो इंसान ज्यादा सच बोलता है उसको मरवा दिया जाता है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स आपकी भावनाओं के साथ अच्छे तरीके से खेलना जानते हैं। कोई तो कारण है ना कि 2021 के पूरे बंगाल इलेक्शन के दौरान ममता बनर्जी की टांग टूटी हुई
हुई थी, मगर जैसे ही वोटिंग खत्म होती है वो एकदम से ठीक हो जाती है। तो एज इन्फॉर्म्ड सिटीजंस हमें कभी भी भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि फैक्ट्स और एविडेंसेस को स्टडी करने के बाद ही किसी को वोट देना चाहिए। पर सबसे जरूरी बात तो ये है कि पुलवामा हमले के अंदर जो 40 सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारों को सरकार ने अच्छा खासा कॉम्पनसेशन दिया है, पर सवाल ये कि उनके जाने के बाद ही क्यों? इस बात पर हम सबको सवाल उठाना चाहिए कि इन सोल्जर्स के जीते जी आखिर इनकी सुरक्षा के लिए सरकार जितना भी करती है क्या वो सच में काफी है? क्योंकि अगर काफी होता तो शायद 14 फरवरी 2019 को हमारे देश को इतना दर्दनाक हादसा नहीं देखना पड़ता।